नमस्कार आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर मैं पूनम आपके साथ एक दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना लिए हैं ओपनिंग डे पर फिल्म ने दुनिया भर में 116 करोड़ का कलेक्शन किया है इसमें से तिरसठ दशमलव आठ शून्य करोड़ रुपए इंडियन बॉक्स ऑफिस से हैं। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में एनिमल ने शाहरुख खान की फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पठान ने ओपनिंग डे पर 106 करोड़ का कलेक्शन किया था ओपनिंग डे पर पठान ग्लोबली 100 करोड़ पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बनी थी शनिवार रविवार को फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिल सकता है फिल्म के एडवांस बुकिंग डाटा को देखते हुए कहा जा सकता है कि पहले वीकेंड तक डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 180 से 200 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लेगी रणबीर ने अपनी पिछली फिल्मों का रिकॉर्ड ओपनिंग डे के कलेक्शन के मामले में तोड़ दिया है रणबीर के करियर की बेस्ट फिल्में संजू और ब्रह्मास्त्र की कमाई को भी एनिमल ने पीछे छोड़ दिया है जहां वेम संजू ने ओपनिंग डे पर पैंतीस करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था वहीं ब्रह्मास्त्र ने पहले दिन दुनिया भर में पचहत्तर करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था इस साल रिलीज हुई फिल्म तू झूठी में मक्कार भी कलेक्शन के मामले में बहुत पीछे छूट गई है हिंदी भाषा में सबसे बड़ी ओपनिंग इस साल रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म जवान को मिली थी इसके बाद दूसरे नंबर पर उन्हीं की फिल्म पठान थी फिल्म एनिमल का बजट 100 करोड़ रुपए है रणबीर की पिछली पांच फिल्मों पर नजर डालें तो सिर्फ संजू का बजट छियानवे करोड़ रुपए था बाकी चारों फिल्मों का बजट 100 करोड़ से अधिक रहा है इसी के साथ बने रहे राजनामा, टीवी के साथ धन्यवाद